सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम चंदा वालीवाल है और आपका जयपुर जीवीएस पब्लिक स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क से ण तक व्यंजन लिखना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ क्या लिखेंगे? क। आप पहले सीधी रेखा खींचिए, फिर आप आधा गोला बनाइए और फिर से आधा गोला बनाइए। ये क्या बन गया बच्चों? क। अब आपको मैं ख लिखना सिखाऊंगी। पहले आप आधा गोला बनाइए, फिर इस प्रकार उसको घुमाकर नीचे कीजिए और तिरछी रेखा बना दीजिए। फिर आप इसको सीधी रेखा खींचिए और फिर से आधा गोला बना दीजिए। अब आप बच्चों ग से गाय लिखेंगे। पहले आप सीधी रेखा खींचिए छोटी, फिर आधा गोला बनाइए और फिर सीधी रेखा खींच दीजिए। ये क्या बन गया बच्चों? ख। को खा बोल दे। ये इतने शोर में होता है क्या? होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इधर वो बोल रहा है, इधर वो बोल रहा है, ऐसे बनता है क्या? बाहर चल के बनाएंगे। बाहर चलेंगे। नमस्ते बच्चों। सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम चंदा पालीवाल है और आपका जयपुर जेवीएस पब्लिक स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क से ण तक व्यंजन लिखना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको क लिखना सिखाऊंगी। आप पहले सीधी रेखा खींचिए, फिर आधा गोला बनाइए और फिर से आधा गोला बनाइए। ये क्या बन गया बच्चों? क। अब मैं आपको ख बनाना सिखाऊंगी। पहले आप आधी गोला कीजिए, फिर से इस प्रकार घुमा के इसको तिरछी रेखा खींचिए, फिर आप एक सीधी रेखा खींचिए और आधा गोला बनाइए। ये क्या बन गया बच्चों? ख। अब मैं आपको ग बनाना सिखाऊंगी। पहले आप छोटी सी सीधी रेखा खींचिए और आधा गोला बनाइए। फिर से बच्चों, आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए। ये क्या बन गया बच्चों? ग। अब बच्चों, आपको मैं घ बनाना सिखाऊंगी। आप पहले आधा गोला बनाइए, फिर से आधा गोला बनाइए और एक सीधी रेखा खींच दीजिए। ये क्या बन गया बच्चों? घ। अब मैं आपको बच्चों ण खाली ण लिखना सिखाऊंगी। पहले आप एक छोटी सी रेखा खींचिए, फिर आधा गोला बनाइए, फिर से इस प्रकार आधा गोला बनाइए और एक बिंदु लगा दीजिए। ये क्या बन गया बच्चों? ण। अब मैं बच्चों आपको च बनाना सिखाऊंगी। पहले आप एक सीधी रेखा खींचिए, फिर एक सोई हुई रेखा खींचिए और फिर आधा गोला बना दीजिए। ये क्या बन गया बच्चों? च। अब मैं आपको छ बनाना सिखाऊंगी। पहले आप आधा गोला बनाइए, फिर से आधा गोला बनाइए और इस प्रकार इसको घुमा दीजिए और ऊपर एक सीधी रेखा खींच दीजिए। ये क्या बन गया बच्चों? छ। अब मैं आपको ज बनाना सिखाऊंगी। पहले आप सीधी रेखा खींचिए, फिर एक सोई हुई रेखा खींचिए और फिर आधा गोला बनाइए। ये क्या बन गया बच्चों? झ। अब मैं आपको झ बनाना सिखाऊंगी। पहले आप एक छोटी सी सीधी रेखा खींचिए, आधा गोला बनाइए, फिर से इस तरफ आधा गोला बनाइए और इस प्रकार इसको घुमा दीजिए। अब आप एक सोई हुई रेखा खींचिए और एक सीधी रेखा खींचिए। ये क्या बन गया बच्चों? झ। अब मैं आपको ण बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले बच्चों, आप एक सीधी रेखा खींचिए, एक सोई हुई रेखा खींचिए और फिर इस प्रकार अर्धगोला बना दीजिए। ये क्या बन गया? ण। अब मैं आपको बच्चों ट बनाना सिखाऊंगी। पहले आप एक छोटी सी रेखा खींचिए सीधी, फिर आप अर्धगोला बनाइए। ये क्या बन गया बच्चों? ट। अब मैं आपको ठ बनाना सिखाऊंगी। पहले आप एक छोटी सी रेखा खींचिए और आप पूरा गोला बना दीजिए। ये क्या बन गया बच्चों? ठ। अब मैं आपको ड बनाना सिखाऊंगी। पहले आप एक छोटी सी रेखा खींचिए सीधी, फिर आप अर्धगोला बनाइए, फिर से इस प्रकार अर्धगोला बनाइए। ये क्या बन गया बच्चों? ड। अब मैं आपको ढ बनाना सिखाऊंगी। पहले आप एक छोटी सी रेखा खींचिए, फिर आप अर्धगोला बनाइए और इस प्रकार इसको घुमा दीजिए। ये क्या बन गया? ढ। अब आपको मैं ण खाली बनाना सिखाऊंगी। ण। तो पहले बच्चों, आप एक सीधी रेखा खींचिए,
और इस प्रकार सीधी रेखा खींच के इस प्रकार इसको घुमा के ऊपर कर दीजिए। ये क्या बन गया? ण। ठीक है बच्चों, अब आप इसे पढ़िएगा और याद कीजिएगा। ये क्या लिखा है बच्चों? क ख ग घ ण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। बाय बाय बच्चों।